हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आइए तो हम उड़द की दाल की कचौड़ी बनाते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट बिल्कुल। ये मैंने उड़द की दाल ले ली है, छिलका था उतार लिया है, 3 घंटे पहले सोक कर दिया था। 3 से 4 घंटे तक सोक कर दीजिए, आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा। अगर छिलके वाली लेते हैं तो सो करने के बाद मैंने छिलका निकाल दिया है, हल्का फुल्का रह गया है। इसमें क्या करना है, इसको हम महीन ददरा पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा महीन पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा पीस लेंगे। इधर मैंने ये देखिए पीस लिया है। पीसने के बाद क्या करना है, इसको चलाना है मिक्सी, पानी नहीं डालना है, 1-2 चम्मच डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसको ड्राई ही रखना है, सूखा सूखा ही पीसना है। फिर इसको क्या करना है, चलाना है, रुक बंद करना है, चलाना बंद करना है, इस तरह से धीरे से इसको पीस लेना है। पीसने के बाद उसको साइड में रख देते हैं। इधर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, कस्तूरी मेथी है, ये लाल मिर्च मैंने सूखी ले ली है, ये जीरा है, इसको भून लेंगे। लाल मिर्च और जीरे को भून लेंगे, और जो लिया है काला नमक और हींग मैंने, कस्तूरी मेथी को भी हल्का सा भून लेंगे बिल्कुल, इन सब चीज़ों को दोनों को भून के, मैंने लाल मिर्च और जीरे को भून के मैंने क्या किया है, इसमें मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लिया है। हल्का सा ददरा बनाना है, नमक डाल देना है, काला नमक डालना है, गरम मसाला है, लाल मिर्च तो हमने सूखी ली है, धनिया पाउडर डालिए आप, और धनिया साबित हो तो साबित भी डाल सकते हैं भून के, काला नमक है, हींग है, ये भी इसमें डाल देंगे, नमक है, काला नमक ज़रूर डालिएगा दोस्तों, हींग भी ज़रूर डालिएगा। उड़द की दाल बादी होती है तो हैवी भी होती है। इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी, ये मैंने भून ली थी, भून के निकाल ली थी, हल्का सा थोड़ी डाल देनी है इसमें। ये देखिए ददरा ददरा, बहुत महीन नहीं करना है इसको, थोड़ा मोटा मोटा पीसना है, है ना, ग्राइंड करना, हल्का सा चलाना है बस, ज़्यादा नहीं। इधर ले ली कढ़ाई में तेल, थोड़ा सा सरसों का मैंने डाल दिया जीरा भुनने के लिए, जीरा हमारा जैसे क्रैकल हो डाल देंगे थोड़ी सी इसमें, ये जो पीसी थी ना ये दाल डाल देंगे, थोड़ी सी डालेंगे पहले ताकि तेल दाल में लिपट जाए अच्छे से। हींग डाल देंगे इधर, थोड़ी सी डाल देंगे पहले, मिलाएंगे इसको। ये देखिए मैंने ऐसे ड्राई रोस्ट कर ली है, तेल में ही, मतलब ज़्यादा तेल नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा तेल लेने से और घी लेने से नहीं होता है, हल्का ही लेना है, इसको भून लेना है, खूब अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद ये हरी मिर्च, कस्तूरी मेथी जो रखी है, हरी मिर्च मैंने 3 से 4 हरी मिर्च काट दी थी, ये जो मैंने मसाला पीसा था ग्राइंड किया था, लाल मिर्च, जीरा और काला नमक, सफ़ेद नमक, और ये सब डाल के इसमें भूनने के बाद इसमें डालना है, ना ही आप पहले नमक डालिएगा ना काला नमक, बाद में डालिएगा, मसाले सारे बाद में डालिए, क्योंकि मसाले भी हमारे भुने हैं, दाल भी भुनी है, तो इसमें डाल दीजिएगा सारे, हरी मिर्च डाल दीजिए, आपको हरी मिर्च अगर चाहिए टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। देखिए दाल हमारी भुन के तैयार हो गई है, अगर मोटी मोटी हो जैसे रह गई हो थोड़ी गुठलियाँ सी, तो और अच्छे से भून लीजिए, भून के हाथ से मसल लीजिएगा इसको। इधर हमने लगा दिया था आटा, आटा बिल्कुल सेमी सॉफ्ट लगाना है, ज़्यादा ना टाइट ना ज़्यादा ढीला, हल्का सा बेल लीजिए। इसमें दाल हम 2 चम्मच डाल देंगे दाल, जितना इसमें आ जाए अच्छे से, बाहर ना निकले, और अंगूठे से दबा देंगे इसको अंदर, और साइड के जो आटा है उसको, लोई को क्लोज कर बंद कर देंगे, मतलब धीरे धीरे बंद कर देंगे घुमा के, और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल के रख देंगे। इस तरह से सारी कचौड़ियाँ बना लेनी है, कचौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। आप आटे में मोयन भी डाल के भून सकते हैं, नमक कस्तूरी मेथी भी, लेकिन मैंने सादा ही आटा जिस तरह से रोटी का लगाते हैं उस तरह से मैंने लगाया था,
क्योंकि डेली खाने के लिए खस्ता कचौड़ी नहीं अच्छी लगती दोस्तों, डेली के खाने में। अगर बच्चे को पसंद है तो सरसों का तेल घर का है हमारा, और घर की दाल है, आराम से धोइए, साफ करिए, ऐसे इस तरह से बनाइए। छिलका आप चाहते हैं तो सारा निकाल सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है, धुली हुई भी दाल ले सकते हैं आप। मेरे घर की थी, मेरे गांव से आती है दाल, तो वो मैं भिगो के इसी को बनाती हूँ, इसका छिलका उतार लेती हूँ। देखिए ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसको धीमी आंच में सेकिएगा। फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, लो से मीडियम रखनी है। सॉफ्ट सॉफ्ट कचौड़ी फूली फूली बन के तैयार है दोस्तों, इस तरह से आप लोग बनाइएगा। इधर हमने थाली लगाई है, यही है, आप लोग भी खा लीजिए। सेमिया बनाई थी मैंने, दाल की कचौड़ी, पूरी और आलू की सूखी सब्जी, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होती है। क्या आप लोगों को भी पसंद है बताइएगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और मेरे साथ मेरी वीडियो में पूरी फुल वॉच कीजिएगा वीडियो। मैं जैसी भी लाती हूँ, मेहनत करके लाती हूँ दोस्तों, प्लीज़ मेरी मेहनत को सपोर्ट करिए। आगे आप ही लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे जाऊँगी। प्लीज़ दोस्तों मैं बहुत मेहनत करती हूँ। ये लीजिए, आप लोग भी टेस्ट कीजिए कैसी लगी बताइएगा दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।